A lot of the commands in the Bible relate to how we are to deal with each other. और बहुत सारी ऐसी बाइबल में आज्ञाएं हैं जिसमें ये लिखा है कि हमें एक दूसरे से कैसे व्यवहार करना है या बर्ताव करना है. As believers. एक विश्वासी होने के नाते. And God deals with us pretty much in the same way we deal others. He treats. और परमेश्वर बिल्कुल वैसा ही बर्ताव हमारे साथ करता है वैसे जैसा बर्ताव हम दूसरों के साथ करते हैं. जैसा व्यवहार हम दूसरों के प्रति दिखाते हैं या दूसरों के प्रति करते हैं वैसा ही व्यवहार परमेश्वर हमारे प्रति भी दिखाता है. Example, you know that verse which says, "Blessed are the merciful, for they will receive mercy." और जैसे उदाहरण के तौर पर एक वचन है जहाँ पर ऐसा लिखा है कि धन्य है वे जो दया करते हैं क्योंकि वो भी दया को पाएंगे, उन पर भी दया की जाएगी. So, mercy is not going to be received by those who are unmerciful to others. और दया वो है जो दूसरे लोगों के ऊपर नहीं दिखाते हैं, वो लोग कभी भी दया को प्राप्त नहीं कर सकेंगे. When somebody slips up and we are very hard on him. और अगर कोई फिसल जाता है या ठोकर खाता है और हम उसके प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार को दिखाते हैं या कठोर व्यवहार करते हैं. Don't be surprised if God is hard on you. फिर आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होना कि परमेश्वर भी आपके ऊपर कठोर व्यवहार करता है, आपको कठोरता से आपके साथ बर्ताव करता है. When you slip up. जब आप फिसलते हैं. But when you see somebody slip up and you are merciful to him and say it's okay. और आप देखते हैं कि कोई फिसल गया है, कोई ठोकर खाकर गिरा है और आप उसके प्रति बहुत ही दया दिखाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं. God will treat you the same way. और फिर उसी तरह से परमेश्वर भी आपके साथ बर्ताव करेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा. And it's wonderful to have a life's testimony where we have experienced that again and again and again. और ये बहुत ही अद्भुत बात है कि जीवित गवाही ऐसी हमारी हो जिसमें हम ऐसा बार 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 लगातार हम ऐसी चीज को हम दोहराते रहे. That we have sought to be merciful to others. कि हम ऐसे चीज की खोज करें कि हम दूसरों के प्रति दया दिखाएं. And experience the riches of God's mercy towards us. और हम खुद भी परमेश्वर की वो महान जो बहुत ही धनी जो परमेश्वर की जो हमारे प्रति दया है, करुणा है, उसको बहुत ही ज़्यादा बहुतायत से उसका अनुभव हम खुद करें. We all need God's mercy. क्योंकि हम सभी को परमेश्वर की दया की बहुत ज़रूरत है. How to get it? और कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं? I'll tell you. मैं आपको बताऊँगा. Be merciful to people around you. फिर जो आपके इर्द गिर्द में लोग हैं उनके प्रति आप दया दिखाइए. Don't be hard on them. उनके ऊपर आप कठोरता से उनके साथ व्यवहार न कीजिए. Forgive quickly. तुरंत उन्हें क्षमा करें. Easily. और आसानी से क्षमा करें. And don't wait. और वहाँ इंतजार न करते रहे. Don't even wait for them to apologize. Forgive before they apologize. और आप इस बात का भी इंतजार ना करें कि वो आपसे क्षमा मांगेंगे फिर जाकर आप उन्हें उनसे क्षमा मांगकर उन्हें क्षमा करेंगे. नहीं. Jesus forgave people on the cross who never apologized. और यीशु ने उन लोगों को क्रूस के ऊपर क्षमा किया जिन्होंने कभी भी यीशु से कोई क्षमा नहीं मांगी. That's our example. वो हमारे लिए एक उदाहरण है. I want to turn to Zechariah. और मैं जकरिया की पुस्तक में मुड़ना चाहता हूँ. जकरिया नबी की पुस्तक. There's a great lesson we can learn in the book of Zechariah chapter 3. और वहाँ पर जकरिया नबी की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय में बहुत ही एक महान हम पाठ को वहाँ पर सीख सकते हैं. Here the Zechariah sees Joshua the high priest, who is a picture of a believer. और यहाँ पर जकरिया नबी की पुस्तक में यहोशू जो है वो एक दूत के विषय पे हम देखते हैं, वो एक विश्वासी का एक चिन्ह है या चित्र है. Standing before the angel of the Lord. और वो यहोशू परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा रहता है. And Satan standing at his right hand to accuse him. और शैतान उसके बाजू में खड़ा रहकर उस पर दोष लगाता है. Now, in the Old Testament, Satan appears very rarely. और पुराने नियम में शैतान बहुत ही कम जगह पर हम देखते हैं जहाँ पर वो आया.
He appears in the form of a serpent, you know, in Genesis 3. और हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय में एक सांप के रूप में वो सांप बनकर वहाँ पर आता है. To tempt Adam. कि ताकि वो आदम की परीक्षा करे. And then in the book of Job, he appears as one who comes to trouble Job. और हम बाद में देखते हैं अय्यूब की पुस्तक में वो वहाँ पर अय्यूब को सताने के लिए अय्यूब को परेशान करने के लिए आता है. And God uses him to test Job. और परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल करता है अय्यूब को परखने के लिए. And then he appears once in the book of Samuel where he tempts David. और फिर उसके बाद हम देखते हैं शमूएल नबी की पुस्तक में जहाँ पर शैतान आता है और दाऊद की परीक्षा करता है. To do something wrong. ताकि वो कुछ गलत करे. And here we find Satan again in Zechariah chapter 3. Now the reason why. और फिर से दोबारा जकरिया नबी की पुस्तक उसके तीसरे अध्याय में हम शैतान का जिक्र हम यहाँ पर पढ़ते हैं शैतान के बारे में. Satan does not appear too frequently. और क्यों ऐसा एक कारण है कि क्यों बार बार शैतान पुराने नियम में इतना ज़्यादा नहीं आया है उसका एक कारण है. In the Old Testament is because he was not yet defeated. और उसका कारण यह है कि तब तक वो पुराने नियम के अंदर तब तक वो हराया नहीं गया था. On the cross. क्रूस के ऊपर. When you come to the New Testament, we find very many mention of Satan frequently. और लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हम शैतान का जिक्र बार बार पढ़ते हैं बहुत जगह पर बार बार उसके बारे में पढ़ते हैं. Because he's already been defeated on the cross. क्योंकि शैतान को पहले परमेश्वर ने हरा दिया क्रूस के ऊपर. And during Jesus' lifetime, of course, Satan was tempting him from the beginning. और यीशु के जीवन के विषय में भी हम देखते हैं कि कैसे शुरुआत से ही शैतान यीशु को परखता है. But that's significant. God does not allow us to be tempted beyond our ability. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर कभी भी हमारे सहनशीलता के परे कभी भी हमारी परीक्षा नहीं करता है. So here we see Joshua standing before the Lord and Satan standing at his right hand to accuse him. और हम देखते हैं यहाँ पर यहोशू परमेश्वर के दूत के सामने खड़ा है और उसके दाहिने और शैतान उस पर दोष लगाने के लिए खड़ा है. Throughout the scripture, Satan is an accuser. और पूरे वचन में हम शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़े तो एक ही चीज देखते हैं शैतान एक दोष लगाने वाला व्यक्ति है. Quick to find fault. और तुरंत लोगों के अंदर गलतियां ढूंढता है. Looking for something to find fault in God's people. और ताकि देख पाए कि प्रभु के लोगों के अंदर कुछ गलतियों को ढूंढे. And the Lord is standing by there to defend us. लेकिन वहाँ पर परमेश्वर खड़ा रहता है ताकि वो हमें हमारा बचाव कर सके. We see here in verse 2. उसके दूसरे वचन में हम देखते हैं. Lord said to Satan. और वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने शैतान से कहा. Lord rebuke you. Now I want you to see this picture. और वहाँ अंग्रेजी अनुवाद में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर तुझे डांटता है. Of Joshua the high priest is a picture of a believer. और जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशू जो है एक विश्वासी का चित्र है जो यहोशू जो है. And on one side Satan is there to accuse him because. और एक तरफ शैतान वहाँ पर खड़ा है उस पर दोष लगाने के लिए. There is something wrong in him because it says very clearly in verse 3, Joshua was clothed with filthy garments. और वहाँ पर निश्चित रूप से कुछ गलत था यहोशू के अंदर. और वहाँ पर लिखा है उसके तीसरे वचन में कि यहोशू वहाँ पर मैले उसके चौथे वचन में माफ कीजिए यहोशू वहाँ पर मैले कपड़े पहने हुए खड़ा था. That means there was sin in his life. इसका मतलब उसके जीवन के अंदर पाप था. And so Satan was had grounds to accuse him. इसलिए शैतान वहाँ पर बहुत ही उग्र था उसके ऊपर दोष लगाने के लिए. But the Lord still rebuked him in verse 2. The Lord stood by. लेकिन फिर भी हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर शैतान को डांटता है और परमेश्वर यहोशू के तरफ से खड़ा होता है उसका बचाव करने. Joshua and said, "The Lord rebuke you, Satan." और परमेश्वर शैतान से कहता है, हे शैतान, मैं तुझे डांटता हूँ. अंग्रेजी अनुवाद में डांटता हूँ ऐसे लिखा है. Because. और हिंदी में लिखा है, शैतान तुझ पर घुड़के ऐसे लिखा है. This is a brand that has been plucked from the fire.
और जैसे एक डाली होती है किसे आग के अंदर से बाहर निकाली जाती है वैसे. And so the Lord comes down on the side of Joshua. और फिर वहाँ पर परमेश्वर यहोशू के बचाव के लिए नीचे उतर कर आता है उसकी उसका उसकी तरफ होने के लिए. Picture of the Lord coming down on our side against Satan. और ये उसका चित्र है कि परमेश्वर हमारी ओर आता है शैतान के विरुद्ध में लड़ने के लिए, हमारा बचाव करने के लिए. And saying, remove the filthy garments. और वहाँ पर उसे कहता है कि तुम वो मैले वस्त्रों को उतारो. And see, I've taken away your iniquity away from you. That's. और कैसे वहाँ पर कहता है कि मैंने तुम्हारे पाप को तुमसे दूर कर दिया है. That's how the Lord treats us. और इस तरह से परमेश्वर हमसे व्यवहार करता है. And I'll clothe you with the righteousness of Christ. और मैंने तुम्हें यीशु की धार्मिकता के वस्त्र को पहनाया है, यीशु की धार्मिकता को पहनाया है. Now listen to this. अब ये सुनिए. This is the best part of it. और ये इसका सबसे अच्छा बेहतरीन भाग है. Zechariah, young man. और यहाँ पर जकरिया जो एक जवान व्यक्ति है. Was watching all this. और वो ये सब देख रहा है. He pitches in. और वो बीच में इस मामले में वो दखल देता है. And he says, not only that, Lord, put a clean turban on his head as well. और वो कहता है, प्रभु केवल ये ही नहीं, लेकिन एक शुद्ध पगड़ी उसके सर पर भी रखिए. And the Lord did that in answer to Zechariah's request. और फिर परमेश्वर वही करता है जैसे जकरिया ने परमेश्वर से विनती की करने के लिए. Now the point I want you to see here is. और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस बात पर आप ध्यान दीजिए. It's a similar situation we face today. और आज भी बिल्कुल ऐसे ही समान परिस्थिति का हम सामना करते हैं. Satan is always there to accuse. और शैतान हमेशा वहाँ पर मौजूद होता है दोष लगाने के लिए. And you see that mentioned in Revelation in chapter 13. और इस बात को हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय में. In Revelation 13. प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय. We see Satan is first of all called in verse 9 the deceiver of the whole world. और वहाँ पर हम पढ़ते हैं उसके 9वें वचन में कि शैतान सारे दुनिया को भरमाने वाला व्यक्ति उसको वहाँ पे कहलाया गया है. Revelation 12 not 13. माफ कीजिए, प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय उसका 9वां वचन. Revelation 12 verse 9. प्रकाशित वाक्य 12:9. Satan is called the deceiver of the whole world. और वहाँ पर लिखा है कि शैतान है सारे संसार को भरमाने वाला है, ऐसे लिखा है. That's a title given to him. और ये शीर्षक शैतान को दिया गया है. And that is what he does. He deceives people. और यही शैतान करता है, लोगों को भरमाता है. But he's also called in verse 10 the accuser, middle of verse 10, the accuser of the believers. और उसके विषय में 10वें वचन के मध्य भाग में ऐसा भी लिखा है कि शैतान जो है वो विश्वासी लोगों के ऊपर दोष लगाता रहता है. He deceives the world. एक तरफ वो लोगों को भरमाता है, पूरे संसार को भरमाता है. And accuses believers. और दूसरी तरफ वो विश्वासी लोगों को के ऊपर दोष लगाता है. He's called the accuser of the brethren. और शैतान को भाइयों पर या विश्वासी लोगों पर दोष लगाने वाला कहा गया है. Just like we saw in Zechariah. जैसे हमने जकरिया के नबी की पुस्तक में देखा. As soon as he sees someone, he's there to accuse him. और जैसे ही शैतान किसी को देखता है, वो तुरंत वहाँ पर उसपे दोष लगाने जाता है. And it says here, he accuses them not only to themselves but to God. और यहाँ पर लिखा है कि वो न केवल उन लोगों को वहाँ पर उनके सामने दोष लगाता है, लेकिन परमेश्वर के सामने जाकर भी उनके ऊपर दोष लगाता है. Day and night. और वहाँ लिखा है दिन और रात वो यही करता है. We can say Satan has got a full-time job. और हम यह कह सकते हैं शैतान को पूर्ण समय की नौकरी मिल गई है. 24 hours. 2400 घंटे. Always looking. और हमेशा ये देखते रहना. For something wrong in some believer in some. और वो हमेशा कोई विश्वासी के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढे या पूरे संसार के अंदर.
and accusing that person. ताकि उनके ऊपर वो दोष लगाता जाए. God, see what that person did there. और वो परमेश्वर को जाके कहता है, प्रभु देखो ये व्यक्ति ने क्या किया. See that chap claim, he doesn't do that for the worldly people. और ये शैतान संसारिक लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए नहीं करता. No. नहीं. There he's just deceiving them. वहाँ पर वो लोगों को केवल भरमा रहा है. But wherever he sees a believer. लेकिन जहाँ पर शैतान विश्वासी को देखता है. Particularly someone who claims to be following the Lord. और विशेष करके अगर कोई अपने आप को एक मसीह कहला रहा है और परमेश्वर का अनुसरण करने वाला एक व्यक्ति कहता है तो. That's you and me. वो हम, आप और मैं हूँ. And he sees something wrong, he immediately picks on that and says, God, see that. और अगर वो हमारे अंदर कुछ भी गलत देखता है, तुरंत वो उस चीज को ले जाकर परमेश्वर के सामने कहता है, देखो प्रभु ऐसा कर रहा है ये. He claims to be your child. और ये आप, ये कहता है कि ये आपका बच्चा है प्रभु. See how he behaves. देखो प्रभु ये कैसे बर्ताव कर रहा है, दिखा रहा है. See what he did. देखो इसने क्या किया प्रभु. See how he spoke. देखो इसने कैसे बात की. See the wrong thing he did there. और प्रभु देखो इसने कैसे गलती की वहाँ पर. And this is a 24-hour job. और ये 24 घंटे वाली नौकरी शैतान के पास है. Day and night. दिन और रात. Now, there's something else that Jesus does. और एक और चीज है जो यीशु भी करता है इसके अलावा. Day and night. दिन और रात यीशु करता है. Do you know a verse in the Bible which says that? क्या आपको पता है बाइबल में एक वचन है जहाँ पर उसके विषय में लिखा है? Satan is the accuser day and night, it says in verse 12:10. और प्रकाशित वाक्य 12 उसके 10 में लिखा है कि शैतान दिन और रात विश्वासियों के ऊपर दोष लगाता रहता है. In Hebrews in chapter 7. लेकिन इब्रानियों की पत्री उसके 7वें अध्याय में. And verse 25, we see something that Jesus is doing day and night. और यहाँ पर हम उसके 7वें अध्याय के 25वें वचन में देखते हैं यीशु के विषय में कि यीशु दिन और रात करता है. It's the opposite. ये केव उसका बिल्कुल विपरीत है जो शैतान कर रहा है. Hebrews 7:25. इब्रानी 7:25. It says here about Jesus, he is able to save forever. Those who draw near to God through him, because he always means day and night. और वहाँ ऐसा लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है और दिन और रात उनके लिए विनती करता है. He's praying for them. वो हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता है. So think of these two ministries going on in the heavenlies. और देखिए आकाश के अंदर ये दो तरह की सेवकाइयां चल रही है. Satan looking out to find something wrong in somebody and immediately talking about it and telling God about it. और शैतान जो है वो कैसे लोगों की गलतियां ढूंढता है, लोगों के अंदर कुछ गलती को देखकर तुरंत उसको ले लेकर परमेश्वर के पास जाकर उसके बारे में जिक्र करने लगता है कि देखो ये कैसा है. And Jesus also seeing it. लेकिन यीशु भी ये सारी चीजों को देखता है. And immediately praying. लेकिन तुरंत उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू करता है. For that person, Father, forgive him. और यीशु कहता है, पिता उन्हें उसे क्षमा करे. Deliver him. उसे छुड़ाइए पिता. Set him free from that habit. उसे उस आदत से आप पूरी तरह से छुटकारा दीजिए पिता. Now what I want to say is. और मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ वो यह है. All of us believers are on one of these two sides. और हम में से जो विश्वासी लोग हैं, हम ये दोनों जो चीज मैंने आपसे कही है, इसमें से कोई एक तरफ हम है. We are either co-workers with Satan. या हम शैतान के साथ सहकर्मी हैं. Or co-workers with Jesus. या फिर हम यीशु के साथ उसके सहकर्मी हैं. And what do I mean by that? मैं ये जो कह रहा हूँ इसका क्या मतलब है? When you see something wrong in a fellow believer. और जब कभी आप अपने सहकर्मी विश्वासी के अंदर कुछ गलत देखते हैं. Maybe your husband. हो सकता है आपका पति हो सकता है. Maybe your wife. आपकी पत्नी हो सकती है. Maybe somebody else in the church. या कोई और कलीसिया में हो सकता है. And if you are quick to pounce on that
और रिमेंबर इट, और अगर आप बहुत ही जल्दीबाजी से उस चीज पर कूदना चाहते हैं और उसको याद रखना चाहते हैं, and pass a judgment, और तुरंत आप न्याय करना चाहते हैं उसके विषय में, he claims to be a great believer, but look how he behaved, और आप ऐसा कहना चाहते हैं कि ये तो एक अपने आप को बहुत अच्छा विश्वासी कहता है, लेकिन देखो ये कैसी हरकत कर रहा है, look how he spoke, देखो इसने कैसे बात की, you know immediately, at least from today onwards, you know immediately whose side you are on, और आज से ही आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप किसके तरफ हो, who you are a co-worker with, और आप किसके सहकर्मी हो, किसके साथ जुड़े हो, certainly not Jesus, और निश्चित तौर पर यीशु नहीं, you are a co-worker with the one who is looking out to accuse believers day and night, और आप उसके साथ सहकर्मी हो गए हो, जुड़ गए हो, जो विश्वासियों के अंदर हमेशा देखता रहता है ताकि वो दोष को लेकर उन्हें दिन और रात उन पर दोष लगाता रहे, and how many times you and I have been co-workers with the devil, और कितनी बार आप और मैं शैतान के साथ सहकर्मी हो गए हैं ताकि विश्वासियों पर दोष लगाए, okay, we didn't have light till today, कोई बात नहीं, आज तक हमें इस विषय पर रोशनी नहीं थी, but you got light today, but आज आपको रोशनी प्राप्त हुई है, now you have no more excuse, अब आपको ज्योति प्राप्त होने के बाद कोई बहाना नहीं है आपके पास, from today you have no more excuse, आज से लेकर आपके पास कोई भी बहाना नहीं है होगा, for being a co-worker with Satan, कि आप शैतान के सहकर्मी ना बनने पाए, so it doesn't mean we stand neutral, और इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसके बीच में खड़े हो जाए, ना दाहिनी और ना बाई और, okay, I won't judge. आ, फिर हम कहने लगे नहीं मैं नहीं न्याय करूंगा, नहीं, that's not enough. ये काफी नहीं है. What did we do? We see Zechariah do when Zechariah saw the Lord cleansing. और यहाँ पर जकरिया नबी ने क्या किया, जब जकरिया नबी ने देखा कि कैसे परमेश्वर उस व्यक्ति को शुद्ध कर रहा है, Joshua the high priest, और यहोशू एक जो महायाजक था, he pitched in and said, oh, do something more, put a good clean turban on him, और वो तो परमेश्वर से कह रहा है प्रभु और इसको शुद्ध करिए, इसके सर पर एक पगड़ी भी आप रखिए, he made his brother glorious, और वो अपने भाई को महिमामय बनाता है, and that's our calling, और यही हमारी बुलाहट है, to cooperate with Jesus Christ, to be a co-worker with Christ, और हम यीशु के साथ सहयोग करें ताकि हम यीशु के साथ सहभागिता या सहकर्मी बनने पाए, in making our brothers and sisters glorious, ताकि हमारे भाइयों और बहनों को हम महिमामय कर दे, they are not perfect, the Lord knows they are not perfect, और हम निश्चित रूप से हम सिद्ध नहीं है, और परमेश्वर इस बात को जानता है हम सिद्ध नहीं है, we are not perfect either, हम खुद भी सिद्ध नहीं है, so there's something that this is very practical, और ये कुछ चीज जो मैं आपको कह रहा हूं ये बहुत ही व्यवहारिक चीज है, because we have many opportunities and are particularly those who have a very sharp mind, और ये हमारे पास बहुत सारे अवसर होते हैं, विशेष करके जिनके दिमाग जो है बहुत ही सतर्क है और ज्ञानी है, quick to see things wrong in other people, और तुरंत वो देख लेते हैं दूसरों के अंदर गलत बातों को, quick to condemn, और तुरंत दूसरों पर दोष लगाते हैं, and slow to appreciate, और सराहना करने में बहुत ही धीमे है, we have to change our whole way of thinking, और हमें अपने विचार करने की पूरी चीज को बदलना होगा, and the Holy Spirit has come primarily to help us, और प्राथमिक रूप से पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए आया है इस विषय में, in this matter, the reason God Jesus gives us the Holy Spirit, और इस यीशु हमें क्यों पवित्र आत्मा देता है उसका कारण यह है, is so that we can have his nature, ताकि हमारे अंदर यीशु का स्वभाव आने पाए,
You know, we are told that we are made partakers of God's nature. और हमें ऐसा कहा गया है कि हम परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी बनने पाए. Of the nature of Jesus Christ, and this is. और यीशु का स्वभाव ऐसा कहा गया है. Spiritual growth. और यही आत्मिक बढ़ोतरी है. Is. और आत्मिक बढ़ोतरी यह है. Not increasing in knowledge of the Bible. और बाइबल नॉलेज को बढ़ाना, बाइबल के ज्ञान में बढ़ना ये नहीं. If knowledge of the Bible could make a person spiritual, और अगर बाइबल का ज्ञान एक व्यक्ति को आत्मिक बना सकता तो सकता था तो, then the devil would be the most spiritual person of all because फिर शैतान सबसे ज़्यादा आत्मिक व्यक्ति होता था. He knows the Bible better than you and me. क्योंकि वो तो हमसे भी ज़्यादा अधिक बाइबल को जानता है. He knows every verse. He could even quote verses to Jesus. और वो सारे वचनों को जानता है और वो यीशु को भी वचन कहकर दिखा रहा था. So don't ever think that knowledge of the Bible or increased knowledge of truths in the Bible like we. और आप ये मत सोचिए कि बाइबल नॉलेज के कारण या बाइबल नॉलेज आपके अंदर और बढ़ रहा है, सच्चाई और आप जान रहे हो इसका अर्थ receive in this church. जो आपको इस कलीसिया में प्राप्त हो रहा है इसका अर्थ ये नहीं है makes us spiritual. कि हमको वो आत्मिक बनाता है. No. नहीं. It's partaking of Jesus' nature. लेकिन ये आत्मिक चीज हम आत्मिक हमें यह चीज बनाती है कि हम यीशु के स्वभाव में सहभागी होते हैं. That makes us spiritual. यही हमें आत्मिक बनाता है, यही चीज. Just because we can be excited when we learn something new. और हम बहुत उत्साहित हो सकते हैं अगर नई चीज कोई हम सीख ले तो. In the church, praise the Lord. कलीसिया के अंदर. Lord. प्रभु की स्तुति हो उस चीज के लिए. But that doesn't make us spiritual, no. लेकिन वो हमें आत्मिक नहीं बनाता है. In area by area. लेकिन एक-एक क्षेत्र जो हमारे जीवनों में है. We must partake of God's nature. उन क्षेत्रों के अंदर हमें परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी होना है. I mean, we've thought of partaking of the Lord's nature in purity and humility. और इन विषयों में जैसे शुद्धता है और नम्रता है, इन क्षेत्रों में हमें परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी होना है. And many other areas and loving people, but one. और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जैसे लोगों को से प्रेम करना. Area of loving people is this. लेकिन लोगों से प्रेम करने के विषय में ये जो क्षेत्र है. Where when we see something wrong. जब हम दूसरों के अंदर कुछ गलत देखते हैं. We're not quick to find fault. और हम तुरंत ही जल्दीबाजी से उसके अंदर गलती को नहीं ढूंढते हैं. Not even neutral. और हम बीच में भी नहीं खड़े हो जाते हैं. मैं तो दाहिनी ओर भी नहीं हूँ, बाई ओर भी नहीं हूँ, ऐसा भी नहीं. But quick to join hands with Jesus and be a fellow cooperate. I mean a partner with him. और लेकिन हम यीशु के साथ हाथ मिलाते हैं और तुरंत उसके साथ हम एक सहयोगी बन जाते हैं उसके लिए विनंती करने के लिए. In his ministry. कि यीशु के सेवकाई में भी हम सहभागी हो पाए. So I see these two ministries going on all the time. और मैं देखता हूँ ये दो सेवकाइयाँ लगातार जारी रहती है. And we lose a lot when we have this pointing the finger attitude. और हम बहुत बातों को खो देते हैं जब हमारे अंदर ऐसा एक स्वभाव रहता है कि दूसरों की तरफ उंगली उठाना. What is the first thing that Adam did? और सबसे पहली चीज क्या थी जो आदम ने की थी? When God asked him a simple question. और जब परमेश्वर ने बहुत ही एक साधारण उससे सवाल पूछा था तभी. Did you eat from this tree? परमेश्वर ने पूछा क्या तूने इस पेड़ से फल खाया है? That was only yes or no. वहाँ पर केवल उसे हाँ या ना कहना था. It's one of those yes no questions. और केवल हाँ या ना ही कहने का उस वहाँ पर जरूरत थी. But he didn't say yes or no. उसने हाँ भी नहीं कहा, ना भी नहीं कहा. He pointed his finger. You read that in Genesis 3 at his. और हम देख सकते हैं, आप पढ़िए उत्पत्ति 3 में कैसे उसने अपनी पत्नी के ऊपर उंगली उठाई. Wife. And said she was the one. और उसने कहा कि ये वो औरत है, इसने किया है. You see how as soon as he had partaken of that tree and disobeyed God. और हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही उसने उस पेड़ के अंदर सहभागी फल खाने के द्वारा सहभागी होने के बाद. He had also partaken of the devil's nature. फिर वो तुरंत उसने शैतान के स्वभाव में भी वो सहभागी हो गया.
And you see that immediately. और हम तुरंत ये देखते हैं वहाँ पर. They were a wonderful couple. वो बहुत ही अच्छे एक दांपत्य थे. But as soon as he contacted the devil, he got that spirit of accusation. लेकिन जैसे ही आदम शैतान के साथ संपर्क में आया, तो तुरंत उसके अंदर दोष लगाने वाली आत्मा घुस गई. She's the one. और वो कहने लगा, ये वो औरत है, इसने किया है. And you find that that spirit is carried on throughout all the marriages in history. और हम देख सकते हैं यही आत्मा है लोगों के अंदर घुसी है पूरे इतिहास में सब जो विवाहित दांपत्य है उनके अंदर. Where husbands and wives point fingers at each other. जहाँ पर पति पत्नी ये दांपत्य एक दूसरे के ऊपर पति पत्नी दोष लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं. Remember, Adam did it first. याद कीजिए आदम ने इस चीज को पहले किया. And you're following in fallen Adam's footsteps when you point a finger at your marriage partner. और आप जब अपने जो आपका आपकी पत्नी या पति है उनके तरफ जब आप उंगली उठाते हैं तो आप वही आदम के स्वभाव में सहभागी होते हैं वैसे शैतान के साथ मिलते हैं. Saying you, you, you. और कहते हैं तूने किया है तूने किया है तूने किया है. You did it. You made me do this. तूने किया है और तेरे वजह से तूने मुझे करने के लिए उत्साया है ऐसे कहते हैं. And have we see these things in scripture? क्या हम ये चीजों को वचन के अंदर देखते हैं? I want to ask you, are we going to pray to God that God will help us to finish with it? और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम परमेश्वर से ये प्रार्थना करने वाले कि प्रभु इससे मुझे पूरी तरह से आजादी चाहिए, मैं पूरी तरह से बंद करना चाहता हूँ? Today. आज से ही. Help me, Lord, that by your grace, the power of your Holy Spirit. प्रभु मुझे सहायता कर आपके अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा. I will never again point a finger. प्रभु मैं अभी फिर से आज से कभी भी अपनी उंगली को नहीं उठाऊंगा. Beginning with husband and wife. और सबसे पहले शुरुआत पति और पत्नी से. Saying you did this, or even inwardly without saying it outwardly to have. और केवल बाहर से कहना ये नहीं, लेकिन अंदरूनी रीति से भी बिना जब हम कहते भी नहीं अपनी ज़बान से. That attitude. लेकिन वो एक रवैया हमारे अंदर होता है. I'll tell you what we are missing. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस चीज़ को हम खो रहे हैं. By having that attitude. कि हम इस रवैये को हमारे अंदर रखने के कारण किस चीज़ को हम खो रहे हैं. Turn with me to Isaiah chapter 58. आप मेरे साथ मुड़िए यशाया की पुस्तक उसका 58वां अध्याय. There's a great promise in Isaiah 58 that the Lord will make us like a watered garden. और एक बहुत ही सुंदर वायदा है यशाया 58 में कि परमेश्वर हमें बहुत ही एक पानी दिया हुआ एक बगीचा पानी से भरा हुआ एक बगीचा बनाएगा. पानी दिया गया. A beautiful promise. बहुत ही सुंदर वायदा है. Isaiah 58 and verse 11. और यशाया उसका 58 उसका 11वां वचन. The Lord will continually guide you. Think of the many promises in just this one verse. और वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर तुम्हें लगातार तुम्हें आगे अगुवाई करता रहेगा. और सोच कर देखिए ये सारे जो वायदे लिखे गए उसके विषय में. All those one or two verses. और ये एक और दो वचन के अंदर. The Lord will continually guide you. और परमेश्वर लगातार तुझे चलाएगा. In every situation. हर एक परिस्थिति में. Where you need, don't know what to do, the Lord will guide you. और जब आपको पता नहीं होगा कि क्या करना है इस परिस्थिति में क्या निर्णय लेना है तब परमेश्वर तुम्हें उस अगुवाई करेगा. And when you're in a dry situation in your life, the Lord will satisfy your desire. He'll. और जब आप अपने जीवन के बहुत ही सूखेपन में होंगे तब परमेश्वर आपको वो इच्छा देगा आपको वो सहायता करेगा. Refresh you. ताकि वो आपको वहाँ पे तरोताज़ा करे. And when you're weak. और जब आप कमज़ोर होते हैं. Spiritually. आत्मिक तौर पर. He'll give you strength. तब वो आपको सामर्थ प्रदान करेगा. And you will not be dry. You'll be like a watered garden. और तब आप सूखे नहीं रहोगे. तब आप मानो एक बगीचा है जिसमें बहुतायत से पानी दिया गया है ऐसे हो जाओगे.
and you'll be like a spring of water that can satisfy the need of anybody who comes to you. और फिर आप एक पानी की बहती हुई धारा बन जाएंगे, फिर जो कोई भी आपके संपर्क में आएगा आप उसे बहुतायत से संतुष्ट कर पाएंगे. What a wonderful promise. क्या अद्भुत वायदा है ये. And you will rebuild the ancient ruins. और फिर तुम जो है सदियों से जो नाश हुआ है उसे फिर से पुनर्स्थापित करोगे. The Lord will use you to build His church. और परमेश्वर आपको उसकी कलीसिया का निर्माण करने के लिए इस्तेमाल करेगा. You'll be called the repairer of the breach and the restorer of the streets in which to dwell. और परमेश्वर आपको वो जो टूटे हुए पुलों को पुनर्स्थापित करने के लिए और उसे बचाने वाला बनाएगा. But there's a condition. लेकिन वहाँ पर एक शर्त लिखी गई है. You know what the condition is? और आपको पता है वो शर्त क्या है? Turn to verse 9. उसमें नौवें वचन में देखिए. If you want to be like this. और अगर तुम्हें ये वायदा तुम्हारे जीवन में पूरा होना चाहिए तो ये करना है. You will call verse 9, Isaiah 58:9. The Lord. यशाया 58:9 वहाँ ऐसा लिखा है, जब तुम पुकारोगे God will answer. तब यहोवा उत्तर देगा. You will cry and without any delay. और तुम जब दोहाई दोगे और बिना किसी देरी से. The Lord will say, "Here I am." और शीघ्र ही परमेश्वर कहेगा मैं यहाँ पर हूँ. If अगर you stop putting a yoke on other people, stop putting a burden on other people. और जब आप अंग्रेजी अनुवाद में ऐसा लिखा है, दूसरों के ऊपर बोझ डालना आप बंद करेंगे. And stop pointing the finger. और आप दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बंद कर देंगे तो. Like Adam did. जैसे आदम ने किया था. You see how seriously the Lord takes this business of pointing the finger. और आप देख सकते हो कैसे परमेश्वर इस विषय को गंभीरता से लेता है कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाने का विषय. And it's an inward thing. और ये अंदरूनी चीज है. An inward pointing the finger that. और अंदरूनी तौर पर हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं. It was you. कि इसने किया है, इसके कारण हुआ है. It wasn't me, it was you, it was your. ये मैंने नहीं किया है, ये तुमने किया है. Your fault. ये तुम्हारी गलती है. Because you did this, that's why this happened. और तुमने ये किया है, इसी कारण ये हुआ है. And that is speaking wickedness. और उसके बाद लिखा है कि हमारे मुंह से जो है दुष्टता बकना. So there's a lot that the Bible speaks about this whole area. और इसलिए ये पूर्ण क्षेत्र में बहुत सारी बातें परमेश्वर कहता है. Accusing the brothers. और भाइयों पर दोष लगाना. Or interceding for the brothers. या फिर भाइयों के लिए मध्यस्थिति करना. Accusing the believers or interceding the believers. या विश्वासियों पर दोष लगाना या विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना. There's two ministries. मध्यस्थिति करना. Trees going on all the time. और ये दो सेवकाइयां लगातार चलती रहती है. And the Lord is inviting us to join the right one. और परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहा है हम सही सेवकाई में सहभागी हो. Amen. Amen.